नमस्कार, मैं हर्षवर्धन पंत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की। कंप्यूटर को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, इसे कार्यप्रणाली के आधार पर, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म जिसे कह सकते हैं, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर। अब हम बात डिटेल में बात करते हैं कि जो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म के आधार पर हम कंप्यूटर के बारे में वर्गीकरण की बात कर रहे थे, उसमें कौन कौन से कंप्यूटर्स आ सकते हैं। तो कार्यप्रणाली के आधार पर इन्हें तीन भागों में, एनालॉग, डिजिटल एवं हाइब्रिड में वर्गीकृत किया जा सकता है। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका इस्तेमाल भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, गति, वोल्टेज आदि के मापन के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग अनुसंधान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल का अर्थ है अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह होता है जो अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर ही कार्यालयों, घरों और बाजारों में आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को जीरो और वन में परिवर्तित कर उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। इस जीरो और वन को हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि हम एक की ए को प्रेस करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर उसको 01000001 यानी बाइनरी नंबर में परिवर्तित कर देता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाती है। ये जीरो और वन को हम स्विच के ऑन या ऑफ की अवस्था भी कह सकते हैं। एनालॉग और डिजिटल की परिभाषा जानने के बाद हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि गणना करना और मापने में क्या अंतर है। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मापन दी गई चीज का वास्तविक आंकड़ा है, जबकि आंकड़ों का उपयोग करके और फॉर्मूले में डालकर गणना की जाती है। उदाहरण के लिए, प्रति किलो अनाज के वास्तविक मूल्य को जानने के लिए हम पहले अनाज यानी मापे गए मूल्य के वजन को मापते हैं और फिर प्रति किलो दर यानी गणना मूल्य के साथ मापा गया मान गुणा करके इसकी गणना करते हैं। आशा है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिनमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं। उदाहरण के लिए, हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में अधिक होता है। जैसे किसी रोगी का रक्तचाप, धड़कन इत्यादि मापने के लिए एनालॉग यंत्र की जगह हम हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल कर एनालॉग डेटा को पहले डिजिटल डेटा के रूप में बदलते हैं, फिर परिणाम डिजिटल स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं। आशा है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में, इनकी परिभाषा, उपयोग और विस्तार के बारे में आप जान चुके होंगे। कंप्यूटर को उद्देश्य के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ये ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिनके लिए इन्हें तैयार किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, अनुसंधान एवं शोध, यातायात नियंत्रण, चिकित्सा इत्यादि। जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। इन कंप्यूटर्स में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है। इन कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु जैसे लेटर तैयार करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना आदि के लिए किया जाता है। कुछ अन्य कंप्यूटर भी लोकप्रिय हैं, जैसे लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जो जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं। ये साइज में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसी प्रकार पाम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर लैपटॉप से छोटे होते हैं जिनको हथेली में रखकर चलाया जा सकता है। यही रीजन है कि इनको पाम टॉप कहा जाता है। इनके कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से कम होती है। टैबलेट कंप्यूटर, ये कंप्यूटर्स बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन मोबाइल फ़ोन से बड़े होते हैं। साधारणतया ये टच स्क्रीन वाले भी होते हैं और इनमें स्क्रीन से टच करके कमांड्स को आसानी के साथ में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसी प्रकार डेस्कटॉप कंप्यूटर,
डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे डेस्क पर सेट किया जा सकता है, यही कारण है कि इसका नाम डेस्कटॉप पड़ा। इनमें एक सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस होते हैं जिन्हें हम अलग अलग रूप में देख सकते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। आकार के आधार पर कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। चलिए माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में सबसे पहले बात करें। कंप्यूटर तकनीकी के क्षेत्र में 1970 के दशक में एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ। ये आविष्कार था माइक्रो प्रोसेसर का। इस आविष्कार के साथ ही एक सस्ती और अच्छी कंप्यूटर प्रणाली बनाना संभव हुआ। इस प्रकार निर्मित कंप्यूटर एक डेस्क पर या एक ब्रीफकेस में भी, एक बैग में भी रखा जा सकता है। इस छोटे से कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर कीमत में कम और आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर या बाहर किसी भी कार्य क्षेत्र में लाया जा सकता है। इन कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। आजकल वर्तमान में माइक्रो कंप्यूटर का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज माइक्रो कंप्यूटर एक बुक के आकार, फोन के आकार और यहाँ तक का कि एक घड़ी के आकार में भी आने लगे हैं। अब हम बात करें मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। ये कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं तथा ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं। मिनी कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इन कंप्यूटर्स को एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए उपयोग नहीं करता था, बल्कि इन कंप्यूटर्स को छोटे और मध्यम आकार की कंपनी प्रयोग में लेती थी। इन कंप्यूटर्स पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते थे, यानी इन्हें नेटवर्क में भी यूज़ किया जा सकता था। मिनी कंप्यूटर्स के उपयोग यातायात में, यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन करने में और बैंकों के बैंकिंग कार्यों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग कर्मचारियों के वेतन के लिए पेरोल तैयार करना, वित्तीय खातों में रखरखाव आदि करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब हम चलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की ओर और देखते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इसमें अधिक मात्रा में बहुत ही तीव्र गति से डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका प्रयोग बड़ी कंपनियों, लार्ज कंपनीज में, बैंकों में, सरकारी विभागों में केंद्रीय कंप्यूटर्स के रूप में किया जाता है। ये कंप्यूटर्स 24 घंटे काम कर सकते हैं। इन कंप्यूटर्स पर सैकड़ों यूज़र एक साथ कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ आपस में जोड़ा जा सकता है। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे उपभोक्ताओं द्वारा खरीद का ब्यौरा रखना, जिसे आजकल ई कॉमर्स कहा जा रहा है, भुगतानों का ब्यौरा रखना, बिलों को भेजना, नोटिस भेजना, कर्मचारियों का भुगतान करना, टैक्स का विस्तृत ब्यौरा रखना इत्यादि। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के नेम जो बहुत पॉपुलर रहे हैं, उनके नेम हैं IBM 4381, ICL 39 सीरीज और CDC साइबर सीरीज। अब हम बात करें सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। ये कंप्यूटर्स अन्य श्रेणियों के कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़े, सबसे अधिक संग्रह क्षमता वाले होते हैं और सबसे अधिक स्पीड वाले भी हैं। इन कंप्यूटर्स में अनेक सीपीयू समानांतर क्रम में कार्य करते हैं। इस क्रिया को पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर जॉन वॉन न्यूमैन कॉन्सेप्ट के सिद्धांत पर आधारित हैं। सुपर कंप्यूटर में अनेक ALU सीपीयू का एक भाग होते हैं। इनमें प्रत्येक ALU एक निश्चित कार्य करने के लिए लगा होता है। ये अनेक ALU मिलकर एक समानांतर यानी पैरेलल प्रोसेस कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक शोध एवं प्रयोगशाला में शोध कार्यों के लिए करते हैं। अंतरिक्ष यात्रा के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, मौसम की भविष्यवाणी करना, उच्च गुणवत्ता की एनिमेशंस वाले चित्रों का निर्माण करना, इन सभी कार्यों में की जाने वाली गणना
वो प्रक्रिया जटिल और उच्च कोटि की शुद्धता वाली होती है, जिन्हें हम केवल सुपर कंप्यूटर्स पर ही कर सकते हैं। परम नामक कंप्यूटर भारत में ही बना एक सुपर कंप्यूटर है, जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने भारत में ही तैयार किया है। परम कंप्यूटर का विकसित रूप, एडवांस रूप परम 10,000 है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर्स के और भी कई उदाहरण हैं, जैसे क्रे 2, क्रे XMP24 इत्यादि। धन्यवाद।